कारण किसानों का पहला विरोध भी चला, बहुत विरोध चला, आप हम भी शहीद किसान भी शहीद हुए, तो वो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। मुद्दा एक बात तो बताओ, सरकार के बाहर रह के काम नहीं हो सकते, सरकार के अंदर रह के जैन चौधरी जी हमारे किसानों की समस्याएं सारी सारी सुलझाएंगे। तो ये चीजें तो पहले भी थी, अब या अभी इस चीज पर लागू हुए? नहीं नहीं, एक बात तो बताओ, ये तो पहले से, जब हम समाजवादी में थे 40 सीट 40 से 35 सीट 35 से 29 सीट 29 में भी 10 बारे खड़े होंगे। इस बार भी विधान लोकसभा में अखिलेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है आप बताओ, बिना आरएलडी के कुछ नहीं है, और अब भी 6 सीट और 4 कैंडिडेट हमारे। आपको तो 2 ही सीट मिली है, अरे बहुत है, उसमें खुश है? दो राज्यसभा, एक राज्य, एक विधान परिषद, मंत्री, महामंत्री, और दो हमारे राज्यसभा तो सभा से है, राज्यसभा मिली हुई है। समाजवादी पार्टी के तो 2 सांसद भी नहीं आ रहे, 80 में से 2 सांसद नहीं आ रहे, और 100% गठबंधन जीतेगा। कितनी सीटें? 78 सीटें, 400 पार का मोदी जी नाराज, 400 पार का हमें पता नहीं, हमें पश्चिम का पता है, यहाँ सारी की सारी सीट गठबंधन को जाएगी, एनडीए गठबंधन। जैन चौधरी सच्चाई है, जो डेंट सारी सीट, जो थोड़ा मोटा डेंट भाजपा और में ही था, वे भी अब ठीक हो लिए, और हमारा 95% वोट जाटों का, किसानों का, मुस्लिमों का, आरएलडी वालों का, गठबंधन प्रत्याशी फूल पे जा रहा है, यहाँ हो चाहे कहराना हो। क्या सोच रहे ताऊ जी, क्या सोच रहे भाई? हम तो नहीं सोच रहे, जो कुछ है जयंत चरण सिंह और अजीत सिंह ही है, बस उनके भरोसे ही चल रही है। तो बीच में तो कुछ खिलाफबसी होगी थी, बीच में तो खिलाफबसी होगी थी, जयंत चौधरी हमारे से बिना पूछे ही बीजेपी में जा लिए, कुछ खिलाफबसी भी आई थी सामने। जी भी हमें इनकी गैली थे चरण सिंह और अजीत सिंह। अच्छा, जब पहले चुनाव में तो अजीत सिंह को इन्होंने संजीव बालियान जी ने हरा दिया था, उसका कोई मतलब? एक बात तो बताओ, जब पक्ष विपक्ष था और हम केवल 6,000 से ही आ रहे थे, आ रहे थे ना, वो भी पता नहीं कैसे, आप सबको पता, और नहीं जीत हम पहले भी रहे थे, और अब दोनों ए बी मुख्य विपक्षी दल और पक्ष नहीं, हारे कैसे हरा दिए थे शासन ने, बेईमान्यता, अरे बेईमान्यता कौन कहता तू? हाँ यही तो, शासन तो अब भी है। किधर जाएगा वो बेईमान्यता में जाओ, हरा देते क्या प्रूफ है? नहीं कह लो, बात मुझे बता तो तुम।